नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू द विजार्डियन फोर्टी फैन। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं भारत के उन पांच सबसे ताकतवर मिसाइलों के बारे में, जो कि भारत को एक तरीके से मिसाइलों के मामले में दुनिया में महाशक्ति बनाती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना वक्त का चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अग्नि सीरीज की मिसाइलें। भारत के खतरनाक मारक हथियारों में शामिल अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं, जिन्हें दूसरे शब्दों में भारत का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। इस सीरीज की पांच मिसाइलें, जिसमें अग्नि एक से लेकर के अग्नि पांच तक बनी है, और अग्नि पांच इसमें नंबर एक की मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता है 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि करीब 1 टन तक के पेलोड लिए जाने में सक्षम है। और इस मिसाइल के खुद के वजन की बात करें तो अग्नि मिसाइल की वजन जो है करीब 50 टन है। इस मिसाइल को DRDO ने बनाया है, और DRDO के अधिकारियों के मुताबिक इस मिसाइल को लक्ष्य बिंदु को सटीकता से भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल उसमें लगे कंप्यूटर से निर्देशित होती है। और अगली मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों आप सभी लोग ब्रह्मोस मिसाइल से काफ़ी वाकिफ है, क्योंकि ब्रह्मोस एक क्रूज और सुपरसोनिक मिसाइल है जिसको दुनिया की सबसे तेज मिसाइल कहा जाता है। यह भारत और रूस द्वारा विकसित की गई है। यह एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जिसे जल थल हवा से दागा जा सकता है। इसकी मारक क्षमता अचूक है। ऐसी मिसाइल पाकिस्तान तो दूर चीन के पास तक नहीं है। इसकी मारक क्षमता करीब 400 किलोमीटर है, जिससे बढ़ाने पर काम किया जा रहा है, और इसकी जद में पूरा पाकिस्तान आ जाता है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि इसे जल थल और नव कहीं से भी किसी भी मौसम में दागा जा सकता है, और रैमजेट इंजन की मदद से मिसाइल की क्षमता में कई गुना तक इजाफा भी किया जा सकता है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। दोस्तों खास बात इस मिसाइल की यह है कि यह अब तक का दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। और हमारे लिस्ट में अगली मिसाइल है पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी सीरीज की भारत के पास 3 मिसाइलें हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों की श्रेणी में आती है। पृथ्वी 2 भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित जमीन से जमीन तक मार करने वाली मिसाइल है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम यह मिसाइल करीब 500 से लेकर के 1,000 किलोग्राम तक युद्ध सामग्री ले जा सकती है, जिसकी मारक क्षमता करीब 400 किलोमीटर तक है। यह DRDO द्वारा निर्मित पहली मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल में तरल ईंधन वाले 2 इंजन लगाए गए हैं। और इस हमारे लिस्ट में अगली मिसाइल है आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करती है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। अचूक निशाने में माहिर यह मिसाइल आसमान में करीब 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक मर्राते किसी भी खतरे पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। ये क्रूज मिसाइल हवा से सतह के साथ बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में ही मार सकती है। प्रति घंटा 4,000 किलोमीटर तक की रफ्तार से यह दुश्मन के लक्ष्य को भेद सकती है। और दोस्तों हमारे लिस्ट में 5वीं मिसाइल है के सीरीज की SLBM, यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों के सीरीज की मिसाइलें मुख्य रूप से नौसेना की ताकत को मजबूती प्रदान करती है। इन्हें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। पनडुब्बी से प्रक्षेपित होने वाली ये मिसाइलें जमीन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों के मुकाबले हल्की और छोटी होती हैं, जिन्हें पानी के अंदर से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इनकी मारक क्षमता करीब 3,500 किलोमीटर तक है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो लगातार आप सभी लोगों के लिए लाता रहता हूँ, ताकि आप सभी लोगों को डिफेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सही समय पर पहुँच सके और एक्यूरेटली पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।